प्यारे बच्चों, आज मैं आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं एक अच्छा 12 का एक बार फिर से वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपको इसके पहले नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र के बारे में बता चुके हैं। आज हम तीसरे टॉपिक पे चलेंगे, जिसको हम आठवां चक्र कहते हैं, जो इस पृथ्वी पर विद्यमान हर स्तनियों में प्रायः देखने को मिलता है। विशेष तौर से हम मानव का पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मानव के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, आठवां चक्र, आठवां चक्र के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। शॉर्टकट में अगर हम कहें तो एमसी ना। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा है कि आठवां चक्र क्या होता है। देखिए, इसके पहले कुछ प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं बालकों की तुलना में बालिकाओं में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। अर्थात बालकों की तुलना में, अर्थात जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, लड़कियां लड़कों से जल्दी युवा हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये, तो बालकों की तुलना में बालिकाओं में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, अर्थात लड़कियां जो होती हैं लड़कों से जल्दी युवा हो जाती हैं। बालिकाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु में, बालिकाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडाशयी पुटिकाओं से अंडांगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे आठवां चक्र के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं, बालकों की तुलना में बालिकाओं में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बालक और बालिका अगर दोनों एक ही समय में जन्म लिए हो, तो बालिकाएं जो होती हैं वो जल्दी युवा हो जाती हैं। इसका कहने का मतलब ये, और बालिकाओं में जो 12-13 वर्ष की आयु में अंडाशयी पुटिकाओं से अंडांगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जब बालिकाएं 12-13 वर्ष की हो जाती है, तो उनके दोनों अंडाशयों से अंडांगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और जो इनका गर्भाशय होता है वो निषेचित अंडांग को धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो जायगोट बनता है। तो जायगोट जो बना, उसी को हम निषेचित अंडाणु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निषेचित अंडाणु। तो उनका जो गर्भाशय होता है वो निषेचित अंडाणु को गर्भ में धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 12 से 13 वर्ष की आयु में। फिर आगे देखें तो प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से 28 दिन के अंदर एक एक परिपक्व अंडाणु का मोचन होता है। कहने का मतलब ये, जो दो साइड लेफ्ट और राइट दो अंडाशय थे, उनमें से किसी एक में, प्रत्येक मतलब एक में, हर महीने में किसी एक में, या तो लेफ्ट से होगा या फिर राइट वाले ओवरी से होगा, तो उनमें प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से 28 दिन के अंदर एक एक परिपक्व मतलब विकसित मैच्योर अंडाणु मोचित होने लगता है, अर्थात बनने लगता है। और मोचन के पश्चात शेष भाग जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है, अंडाणु मतलब अंडाशय से निकलकर बाहर आ जाता है, उसका मोचन हो जाता है, कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में। तो जो शेष भाग बचता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और परिपक्व अंडाणु 48 से 72 घंटे तक, जो परिपक्व अंडाणु होता है मोचन के पश्चात अंडवाहिनी में आया, वो वहां पर 48 से 72 घंटे तक इंतजार करता है। किसके लिए? निषेचन के लिए। अगर उस दौरान निषेचन हो जाता है तब क्या होगा? नर और मादा युग्मक के संलयन से जायगोट बनेगा, और जायगोट का वृद्धि में विभाजन होगा, फिर वही क्या कहते हैं, 9 महीने बाद पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होगा। लेकिन अगर निषेचन न हो तब क्या होगा? निषेचन न होने की दशा में यह निष्क्रिय होने लगता है। जो अंडाणु आया अंडाशय से, कहाँ आया? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में वो कितने मतलब घंटे तक इंतजार किया? 48 से 72 घंटे तक। लेकिन उस दौरान निषेचन नहीं हो पाया, तब क्या हुआ? वो अंडाणु जो है धीरे धीरे क्या हुआ? निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। फिर उसके बाद निष्क्रिय होने के बाद जो कार्पस ल्यूटियम में बदला भाग था वह फट जाता है, और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, जिसको हम इंडोमेट्रियम बोले थे ना, गर्भाशय की 3 परत होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है एंडोमेट्रियम, यह भी फट जाती है, और वह ब्लड के साथ बाहर निकलने लगता है। कौन? जो अंडाणु होता है और कार्पस ल्यूटियम, ये ब्लड के साथ बाहर निकलने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आठवां चक्र कहते हैं। यह क्रिया लगभग 3 से 4 दिन तक चलती रहती है, और यह महिलाओं में लगभग 50 वर्षों तक होता रहता है। तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने फिगर बनाया था, अगर उसको आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा अंडाशय कहाँ था, अंडाशय होता क्या है ना, और पीडीएफ के रूप में हम भेज देंगे, अभी भेजे नहीं है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं, बालकों की तुलना में बालिकाएं जल्दी युवा हो जाती है, अर्थात तो उसमें लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है, और जो बालिकाएं होती हैं उनमें 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडाशय पुटिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है, और जो गर्भाशय होता है निषेचित अंडाणु को धारण करने के लिए
तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उनका गर्भाशय होता है वो गर्भ को धारण करने के लिए तैयार हो जाता है पूरी तरीके से, और यह जो गर्भाशय है निषेचित अंडाणु को धारण कर लिया, यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखेंगे प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से 28 दिन के अंदर एक एक अंडाणु का मोचन होता है, और मोचित होकर के जो अंडाणु है वो अंडवाहिनी में आ जाता है। मोचन के पश्चात शेष भाग कार्पस लुटियम में बदल जाता है और परिपक्व अंडाणु जो है अंडवाहिनी में 48 से 72 घंटे तक निषेचन के लिए इंतजार करता है। लेकिन अगर निषेचन न हुआ तो वो अंडाशय धीरे 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 क्या होता है, निष्क्रिय होकर नष्ट होने लगता है। पर कार्पस ल्यूटियम पड़ जाती है और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति इंडोमेट्रियम में पड़ जाती है, और वह अंडाणु और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति जो फटी उसके साथ ब्लड और कार्पस ल्यूटियम वही पूरा ब्लड के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्तोचक्र कहते हैं, और यह लगभग 3 से 4 दिन तक चलता रहता है। और अगर मादाओं में यह देखा जाए, मानव की महिलाओं में, तो ये प्रक्रिया 40 से 50 वर्ष तक चलता रहता है, 40 से 50 वर्ष तक देखा गया है। तो ये था आर्तोचक्र। इसके बाद हम लोग निषेचन और अंतरोपण पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं, नर जनन तंत्र पढ़ चुके हैं, मादा जनन तंत्र, तीसरा टॉपिक था आर्तोचक्र, इसके बाद निषेचन एवं अंतरोपण क्या होता है, बेस बिल्कुल बेसिक से कैसे किस किस तरीके से होता है। अब इतना होने के पश्चात अब निषेचन होगा, फिर उसका जायगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर वो गर्भाशय में अंत स्थापित होगा ना, स्थापना के बाद क्या होता है, फिर उस बच्चे का जन्म होगा, तो तमाम प्रक्रियाएं हैं। तो इतना हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, अगला नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना, इसको आराम से लिखिएगा, पीडीएफ के रूप में हम भेज देंगे आज, आप इसको लिख लीजिए।